शरीफ और जरदारी खानदान की कोई सियासत नहीं, इनके खिलाफ संजीदा नौयत के केसेस हैं। मुहर्रम शुरू होने वाला है लेकिन एपीसी कहीं दिखाई नहीं देती। शेख रशीद का अपोजिशन से सवाल, सियासी मुखालफिन पर कड़े वार, कहा इमरान खान को महंगाई का इल्म है, कीमतों में कमी की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि पीटीआई की वजरा करप्शन में मुलव्वस हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद का 16 अगस्त से मजीद 10 ट्रेनें चलाने और तमाम पुराने स्टॉप खत्म करने का ऐलान। के नवाज शरीफ आसफ जरदारी खानदान की कोई सियासत नहीं है। मैं नहायत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इन सारों के केस बड़े सीरियस हैं। किधर गई एपीसी जो सारी अपोजिशन की आप बात करते थे? 14 तारीख 15 तारीख को मुहर्रम हो जाएगी, इसीलिए मैंने आखिरी दिन ट्रेनें रखी हैं ताकि अगले दिन मुहर्रम शुरू हो जाएगी। मैं ट्रेन नहीं चला रहा और ये तहरीक चलाने जा रहे हैं। देखें, इमरान खान को सारे रेट पता है, चीनी के भी आटे के भी। मैं कैबिनेट में बताता हूँ। अब आप कुछ और चाहते हैं तो मैं इमरान खान की क़यादत, मेरी बात सुने, उसको पता है कि चीनी का क्या रेट है, आटे का क्या रेट है, और वो अपनी पूरी कोशिश में है कि इन रेटों को कम किया जाए। अब ये चीनी और आटा इंपोर्ट करने लगे हैं, इंशाल्लाह इसमें सब्सिडी दे के, इस प्राइस पे सब्सिडी दे के इनकी कीमतों को ठीक करें। देखें, पीटीआई के मैं नहीं समझता कोई बुजुर्ग करप्शन कर रहा है। अगर कोई करेगा, करप्शन एक सीरियस क्राइम है, उसमें नहीं छूट हो सकती। 10 ट्रेनें खोलने जा रहे हैं जी, सोमवार वाले दिन से, 16 तारीख से। 16 बनती है या 15 16 ही बनती है।